आज मैं आपको उन 40 शहीदों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया परंतु प्रभु को नहीं त्यागा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 10 मार्च को 40 शहीदों का पर्व संपूर्ण कलीसिया मनाती है। कहा जाता है कि यह 40 शहीदों ने अपने विश्वास को प्रभु के लिए दृढ़ बनाया और प्रभु के लिए निरंतर कार्य किया। जब राजा लिंसनियस ने आदेश दिया कि सभी रोमन देव देवताओं की आराधना करें, उस समय इन 40 ख्रिस्तियों ने सभी के सामने अपने विश्वास को प्रकट किया और कहा कि वे केवल एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और उनको छोड़कर वह और किसी में विश्वास नहीं करते हैं, जिसके कारण राजा ने उन्हें राज्यपाल के हाथों में दे दिया ताकि वह उन्हें सजा दे। उन 40 सैनिकों ने कपोदिच्या के राज्यपाल से कहा कि वे अपने विश्वास को नहीं त्यागेंगे। राज्यपाल ने उन्हें बार बार कहा कि वह सबके सामने अपने विश्वास को त्याग दे और अपने जीवन को बचा ले, पर उन 40 सैनिकों ने अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखा। राज्यपाल ने उन्हें सजा दी कि वह बर्फ से जमी हुई झील के ऊपर निवस्त्र होकर लेट जाए। वह 40 के 40 सैनिक एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर वह झील पर जाकर लेट जाते हैं और वह प्रभु से निरंतर प्रार्थना करने लगते हैं। उसी बीच राज्यपाल झील के थोड़ी सी दूरी पर आग जलाता है एवं उसके पास में गर्म पानी का एक पोंड बनवाता है ताकि उन्हें एहसास हो कि उन्हें गर्माहट की ज़रूरत है और वे गर्म पानी में नहा लें। उससे पहले उन्हें अपने विश्वास को त्यागना है, परंतु उन 40 सैनिकों ने निवस्त्र होकर उस बर्फ से जमी हुई झील में प्रार्थना करते हुए अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया। उन 40 सैनिकों ने प्रभु से प्रार्थना की कि उन्हें स्वर्ग राज्य के 40 मुकुट प्रदान किए जाए और उसी समय स्वर्ग से उन 40 स्वर्ग दूत अपने हाथों में मुकुट लिए हुए नीचे उतरते हैं, क्योंकि एक सैनिक ने वहाँ पर अपना विश्वास खो दिया था और जिस समय उसने अपना विश्वास खोया उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। एक सिपाही जो बाहर खड़ा हुआ था, उसने देखा कि वह सैनिक मर चुका है तो वह अपने कपड़े उतार कर निवस्त्र होकर वह उस सैनिक की जगह ले लेता है और फिर से यह 40 की पवित्र संख्या बनी रहती है। जब सभी सैनिक मर जाते हैं उस समय अधिकारी आकर उन्हें देखते हैं कहीं कोई जिंदा तो नहीं है। उस समय एक सैनिक की सांसें चलती रहती है। उस समय उससे कहते हैं कि तुम अपने विश्वास को त्याग दो, परंतु उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा ऐसा कभी मत करना, और वह अपने विश्वास को नहीं त्यागता है। उसी समय अधिकारी एवं दूसरे सैनिक उसे उठाकर उसके दोस्तों के साथ में आग में उसे जिंदा फेंक देते हैं। इन 40 शहीदों की मृत्यु 320 के लगभग हुई थी। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम इन 40 शहीदों से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु के सामने यह सभी उपस्थित रहकर हम सभी पापी मनुष्यों के लिए निरंतर प्रार्थना एवं निवेदन करते रहें।